मैक्सिमम यील्ड इनकी जो एवरेज है हमारी वो तो 80 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किस्मत साथ दे तो इनसे पैदावार 96 से 98 क्विंटल पर हेक्टेयर ली जा सकती है। इनकी इतनी उपज क्षमता है, इन किस्मों में तापमान अवरोधी क्षमता है, ये 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर के उतार चढ़ाव को भी आसानी से सह लेती है। तो मेरा किसानों से यही अनुरोध है, पुरानी किस्में जैसे HD 2967, HD 3086 एवं WH 1105 एवं अन्य वेराइटियों को ना उगा करके आप इन किस्मों को उगाएं। मैं आपको ये भी बता दूं, सीड पोर्टल पर बीज आपको कैसे लेना है और कब लेना है। एक आधार कार्ड पर 10 किलो बीज बुक किया जाता है। यदि किसी को 40 किलो बीज की ज़रूरत है तो वो 4 आधार कार्ड से बुक करा के और वो 40 किलो बीज प्राप्त कर सकता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज हम इस वक्त हैं NDRI करनाल मेले में, जहाँ पे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और आप जानते हैं कि केंद्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान जो कि किसानों के लिए लगातार गेहूं की लेटेस्ट वैरायटियां लेकर के आ रहा है। अपने डॉक्टर साहब से ही जानेंगे जो लेटेस्ट वैरायटियां IIWBR करनाल के द्वारा दी जा रही है किसानों को, DBW 370, 71 और 72, इनमें क्या कुछ विशेष किसानों को देखने को मिलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर मंगल सिंह है, मैं यहाँ पर एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद पर काम कर रहा हूँ और पिछले लगभग 30 वर्ष से इस संस्थान में मैं कार्यरत हूँ। किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए, उनकी मौसम के उतार चढ़ाव से होने वाली हानि को कैसे कम किया जाए, इस पर ध्यान देते हुए हमारी संस्थान ने कई वैरायटी विकसित की हैं जिनकी उत्पादन क्षमता अधिक है। पुरानी किस्मों से लगभग 1.5-2 गुनी ज़्यादा है। हमारे संस्थान द्वारा DBW 187 कर्णवंदना नाम से भी जानी जाती है, इसकी एवरेज यील्ड 78 क्विंटल पर हेक्टेयर है तथा इसकी उपज जो क्षमता है वो 96 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान द्वारा DBW 303 एक नई किस्म ईजाद की है जिसकी उपज क्षमता 81.4 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इस किस्म के भी अतिरिक्त हमारे संस्थान द्वारा 5 अन्य किस्में भी ईजाद की हैं, वो किस्में DBW 327, DBW 332, DBW 370, DBW 371, DBW 372। ये किस्में 78.9 क्विंटल पर हेक्टेयर से लेकर के 80 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार देती हैं। इन किस्मों को अगेती और थोड़ा समय से बिजाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और इसके साथ ही 2 वैरायटी ऐसी हैं जो CSSRI द्वारा ईजाद की गई हैं, KRL 210, KRL 213। इन वैरायटियों को ऊसर कलर ज़मीन में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिन किसान भाइयों की खेती खेत है देर से खाली होता है, जैसे गन्ने के बाद या धान की जो पिछेती वैरायटी है उनके बाद, उनके लिए DBW 173 बहुत अच्छी वैरायटी है। DBW 771 है, HD 2851 है और PBW 832 वैरायटी है जिनको पिछेती वैरायटी के लिए उपयुक्त माना जाता है। दिसंबर के महीने में लगा करके भी इन वैरायटियों से अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। जी सर, अब की बार ज़्यादातर किसानों का रुझान, जैसे अपने संस्थान जब बीज वितरित करता है किसानों को, पोर्टल पे बीज बुक करवाया जाता है, तो 327, 332 के अलावा सबसे ज़्यादा किसानों की नज़र 370, 71, 72 पे थी। हाँ, तो इन वैरायटियों को किसान भाई कब लगा सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा एक बार मैं चाहूँगा आप बताएं सर। पिछले साल जैसे आपने कहा कि जी सीड पोर्टल पर 370, 71, 72, लेकिन ये उस समय ना सीड पोर्टल पर अवेलेबल नहीं थी, जी। तो इस वजह से लोग ये रिलीज हो चुकी थी लेकिन पोर्टल पर अवेलेबल नहीं थी जी। तो उस समय DBW 327, 332 वैरायटी का बीज और 303 का बीज वितरित किया गया था और 370 का डायरेक्ट सीड दिया गया था विदाउट पोर्टल के जी। ये वैरायटी इसी साल लॉन्च हुई है, इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है और पोषक तत्वों की मात्रा भी इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में है और रोग रोधता भी इन वैरायटियों के अंदर है और अगेती बिजाई के लिए ये अच्छी किस्म मानी जाती है। सर अपनी जो पहले की वैरायटियां जैसे आपने जिक्र किया कर्ण वंदना, कर्ण वैष्णवी या कर्ण नरेंद्र, इन तीनों ही वैरायटियों में कुछ एक किसानों की समस्या थी कि लोजिंग को लेकर, भाई इसकी बढ़वा हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है और फसल गिर जाती है। अभी जो 3 लेटेस्ट वैरायटियां आ रही है उनमें रेजिस्टेंट है कुछ लोजिंग को लेकर? हाँ, लोजिंग के लेकर इनके रेजिस्टेंस है और लोजिंग की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम क्लोर मिक्वाइड क्लोराइड 0.2%
और टेबुकोनाजोल 0.1% का स्प्रे 45 से 50 दिन पर और 85 से 90 दिन पर करते हैं तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। ये पौधे की हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देती है तो गिरने की समस्या है वो हल हो जाती है। सर, किसान भाई बेहतर उत्पादन के लिए इस किस्मों की बुआई कब तक करें? इन किस्मों की 25 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक बिजाई फिनिश कर दें, ठीक है, तो अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। कितने पानी की जरूरत पड़ेगी सर इनको? ये क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र में 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। यदि ये बिहार के जैसे वैशाली या मुजफ्फरपुर में वहाँ पर 1-2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैसे राजस्थान का इलाका है 7-8 सिंचाइयों की भी जरूरत होती है। ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ कितनी सिंचाई की जरूरत है, नीड बेस है। जैसे बीच में कोई 2-1 बारिश हो जाती है तो उससे सिंचाइयों की मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा बुआई से पहले जब अपने जमीन तैयार करते हैं तो जो फर्टिलाइजर है उनकी बेसल डोज क्या कुछ देनी चाहिए? जैसे ये उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं, इनके लिए नाइट्रोजन 150 किलो पर हेक्टर के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो पुरानी किस्में हैं उनके लिए 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फॉस्फोरस 120 किलोग्राम, जबकि पुरानी किस्मों के लिए 90 किलोग्राम और पोटाश की इन किस्मों के लिए 60 किलो पर हेक्टेयर, जबकि पुरानी किस्मों के लिए 40 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से ज़रूरत पड़ती थी। अब उच्च उत्पादन लेने के लिए फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बढ़ाया गया। ठीक है सर, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, अगर अपना प्रकृति साथ दे दे और अपने ठीक से मेहनत करें तो इन किस्मों से कितनी पैदावार ली जा सकती है मैक्सिमम? हाँ, मैक्सिमम यील्ड इनकी जो एवरेज है हमारी वो तो 80 क्विंटल पर हेक्टेयर है, लेकिन किस्मत साथ दे तो इनसे पैदावार 96 से 98 क्विंटल पर हेक्टेयर ली जा सकती है। इनकी इतनी उपज क्षमता है। ठीक है, एक कोला देवी आजमगढ़ की हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कर्ण वंदना वेराइटी DBW 187 से 96 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से उपज प्राप्त कर चुकी हैं और इस बात के लिए उनको कई प्लेटफार्म पर सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है सर, एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने पहले जिक्र किया था सीड पोर्टल के ऊपर किसान भाई बीज बुक करवाते हैं और उनको बीज मिल भी जाता है, अगले साल के लिए जो कौन कौन सी वेराइटियों का बीज सीड पोर्टल पर उपलब्ध होगा? मैं आपको ये भी बता दूं, सीड पोर्टल पर बीज आपको कैसे लेना है और कब लेना है, 15 सितंबर के आसपास, एक दिन आगे या पीछे हमारा सीड पोर्टल एक्टिवेट होता है और उसी दिन आप अपना सीड बुक करा सकते हैं और सीड पोर्टल पर DBW 187, DBW 222, DBW 303, DBW 327, DBW 332, DBW 370, DBW 371, 372 का बीज उपलब्ध होगा इस साल। और 15 सितंबर के आसपास बीज बुक कराने के बाद 15 अक्टूबर को किसानों के पास मैसेज चला जाता है, वो अपना बीज संस्थान में आकर के अपना ले सकते हैं और पैसे यहीं जमा करने होंगे ऑनलाइन, और बीज का रेट 50 रुपये पर केजी होता ठीक है। और सर, जो लेटेस्ट वैरायटियां हैं इनका बीज किसानों को कितनी मात्रा में मिल पाएगा, जैसे 5 किलो 10 किलो प्रति किसान? एक आधार कार्ड पर 10 किलो बीज बुक किया जाता है, यदि किसी को 40 किलो बीज की ज़रूरत है तो वो 4 आधार कार्ड से बुक करा के और वो 40 किलो बीज प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो किसान साथियों उम्मीद करेंगे सर ने अपने को जो जानकारी दी लगभग आपको सारी समझ में आ गई होगी, और फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट शंका या सवाल रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।